अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं बोटी का सालन। ये 1/4 किलो मछली है कटी हुई। इसको साफ करने का तरीका मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये 3 बड़ी बड़ी प्याज मैंने काट दी है, तो इसमें से थोड़ी सी प्याज इसमें मछली में डालकर उसको धोएंगे। पानी डालकर तो मसल मसल कर इस तरह से धोएंगे, जिससे कि इसकी स्मेल नहीं रहेगी, स्मेल चली जाएगी। इसे बोटी भी कहा जाता है। इस इसका पानी ड्रेन करेंगे और उसको 2-3 पानी से धो देंगे। 2-3 पानी से इसको मैंने धो दिया है, इसको मैंने 2-3 पानी से धो दिया है। इसमें आप बोटी के साथ साथ फेर भी डाल सकते हो। 3 तेज़ पत्ते लिए हैं, 10 काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून शाजीरा लिया है, 6 लौंग लिए हैं, 6 हरी इलायची ली है, 7 सिनेमन स्टिक्स ली है, 1/2 कप तेल गरम हो रहा है। तेल गरम हो गया है, खड़े मसाले जो मैंने बताए हैं वो सब इसमें ऐड कर देंगे। कटी हुई प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें प्याज ऐड करके मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और प्याज को पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज पिंक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन पेस्ट, जिसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे लाल होने तक। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे लाल होने तक भूनेंगे। 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है मैंने। ये मिर्ची ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अगर आपकी मिर्ची तेज़ है तो आप कम लीजिए। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। अदरक लहसुन पेस्ट मैंने लाल होने तक भून लिया है प्याज में। अब मैं सारे सूखे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला ना जले। एक मिनट तक भून कर इसमें आप वजड़ी डाल देंगे बोटी। 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें वजड़ी डाल रही हूँ मैं, बोटी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। बोटी मैंने डाल दी है, मिक्स कर देंगे और मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। 1/2 घंटे तक मैंने इसको प्रेशर कुक किया सीटी बजने के बाद से स्लो फ्लेम पे। 6 हरी मिर्चियाँ चीर दी है, 1 कप हरा धनिया पुदीना काट दिया है, ये भी ऐड कर देंगे इसमें, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए, मिक्स कर देंगे। 2 मिनट तक सिम पे रखने के बाद ढक्कन खोल देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। बोटी का सालन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।